हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ। साइड बैग है, फुल साइज़ में है जैसा कि आप देख रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन, साइज़ साइड में ये इस तरह से है, ऊपर जिप है, इधर पॉकेट है। ये हमारे पास दो पॉकेट हैं। इसको कैसे बनाना है तो चलिए देखते हैं। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 12x16 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 8x16 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 8x12 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 4x16 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 8x8 2 पीस क्लॉथ, जिप 16 इंच, 1 रनर 2, बेल्ट 26 इंच 2, लॉन्ग पाइपिंग। चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम 4x16 इंच के पीस से। बीच से कट करेंगे, जिप लगा करके 2 रनर डाल देंगे। इसको तैयार करने के बाद अब हम लेंगे 8x12 इंच का पीस। इसमें मेजरमेंट करेंगे और पाइपिंग लेंगे। ये पाइपिंग ली है हमने कंट्रास्ट कलर में और यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। एक मार्क हमारा 6 इंच पर होगा इस तरह से, और ये 8 इंच है, ये 12 इंच है। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पे मार्क किया। ऊपर जाएंगे, सेंटर निकालेंगे 4 इंच पर, और बीच में 2 इंच इधर 2 इंच इधर पर मार्क लगाएंगे। टोटल हमें 4 इंच का गैप चाहिए। और फिर इस फोर्स यहाँ से इस फोर से इस 8 पर हम इसको मिला देंगे। और अब ये जो 6 इंच पर हमने मार्क किया था इसको यहाँ पर कट करेंगे, पाइपिंग लगा देंगे, दोनों पीस में पाइपिंग लगा देंगे। अब 8x8 का पीस लेंगे, और जो नीचे वाला 8 इंच का पीस है ये हमने इस तरह से कट किया था। ये 4 इंच आ रहा है हमारा, ये 8 इंच आ रहा है। तो ये जो बीच से कट किया था इसको इस तरह से रखना है। तो पहले हम ये बॉटम वाला हिस्सा सीधा जोड़ देंगे और इसको इधर से जोड़ देंगे। अब इसी के साथ इसको यहाँ रखते हुए पूरा पैक कर देंगे। बैक साइड से ये जो ऊपर वाला है इसको हल्का सा मोड़ के तब सिलेंगे जिससे कि सफाई रहे। इस तरह से सिलने के बाद अब ये जो हमने लाइन खींची है इस पर हम मशीन चलाएंगे। ये हमारा इस तरह से 2 पीस तैयार हो गया 8x12 इंच का। तो यहाँ पर ही हमें पॉकेट मिल गई। अब ये जो पीस है हमारा जो हमने पहले तैयार किया था इसको लेंगे और इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसके बाद 8x16 इंच का जो पीस है उसको लेंगे और इस 8 में इसको जोड़ देंगे। दूसरा सिरा दूसरे 8 की तरफ जोड़ देंगे। अब अंदर से फिनिशिंग दे देंगे। ये हो गई हमारी साइड वॉल। अब हम लेंगे अपना मेन पीस 12x16 इंच का और बेल्ट। तो यहाँ पर ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ये मैंने एक पुरानी कुर्ती से ये बैग बना रही हूँ। तो ये बैग का फ्रंट था और बाकी जो ये कपड़ा लगा ये सॉरी ये जो कुर्ती का फ्रंट था और ये कुर्ती का बैक साइड था। तो बैक साइड से मैंने इतना सब कुछ निकाल लिया। रेड कलर की बेल्ट ली और इसी की कपड़े की पाइपिंग चढ़ा दी जिससे कि पूरा मिक्स मैच एक सुंदर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा तैयार हो। बहुत ही ज़्यादा लाल कर देंगे तो हर जगह लेके जाने लायक नहीं रहेगा। बस इससे मैच करना है, इतना ही लिया गया है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। ये है सेंटर, ये 16 है, 8 इंच इधर 8 इंच इधर, ये सेंटर है। सेंटर से हम 4 इंच इधर निशान लगाएंगे और 4 इंच इधर। इसमें भी सेम
और इसमें अब हम बेल्ट लगा देंगे। जो निशान है उसके किनारे पर ये आना चाहिए, बेल्ट अंदर की तरफ रहेगी तो और दो तीन मशीन चलाई जाएगी। अब ये हमारी सारी तैयारी हो गई। अब इसमें हम ये जो हमने सेंटर निकाला है तो इधर भी सेंटर निकालेंगे, बॉटम के साइड में ये 8 इंच पर है, ये 8 इंच पर है, यहाँ हमने पहले से सेंटर निकाला हुआ था। अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो जोड़ने के लिए इसमें भी सेंटर निकालेंगे, ये जो जिप वाला पीस है इसको बराबर से रखेंगे, यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर, इसको पकड़ते हुए ये जो सबसे बड़ा पीस है 8x16 इंच का जो बॉटम की एरिया में आया है इसमें भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो पहले हम जिप का और बॉटम का एरिया जोड़ेंगे, बाकी भी बाद में इसको जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको जोड़ देना है। अब इसके बाद ये हमारा 12 इंच का एरिया आया, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और सेम प्रोसीजर में जो दूसरा पार्ट है हमारा ये वाला, इसको जोड़ देंगे। ये इस तरह से तैयार हुआ। अब इसमें फिनिशिंग के दो ऑप्शन हैं, या तो जो अंदर सिलाई गई है उसमें आप पाइपिंग चढ़ा दीजिए, और या तो बाहर से इस तरह से फिनिशिंग की मशीन चला दीजिए। फिनिशिंग की मशीन चलाने से क्या होता है कि वो पूरा बैग शेप ले लेता है। और ये इस तरह से हमारा बैग कंप्लीट हो गया। तो इसमें आज हमने केवल बड़ी जो मेन पॉकेट है वो एक दी है और बाहर ओपन दी है। इसमें आप बॉटल है, अम्ब्रेला है, या चश्मा वगैरह है, चाबी वगैरह रख सकते हैं। और ये बैग हमने कुछ इस तरह से तैयार कर लिया। पुरानी कुर्तियों से बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी होती हैं, उससे अच्छे खासे बैग बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये आगे पीछे दोनों साइड से एक जैसा लुक देगा। साइड में हमको पॉकेट मिल गई और एक फुल पॉकेट हमें अंदर मिल गई इस तरह से। अब इसको आप सफ़र पे ले जा सकते हैं, पिकनिक पे ले जा सकते हैं, मिलने जाना हो तो कहीं ले जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।